सारे लड्डू को बनाकर हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, नमस्कार, देव भदानी ब्लॉग्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल के लड्डू, जो कि हम आज नारियल के पाउडर से बनाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ है नारियल पाउडर, यहाँ है घी, देसी घी, यहाँ है मिल्क पाउडर, खोया जिसे हमने घर पर ही बनाया है, आप मार्केट का भी ले सकते हैं, यहाँ शुगर, यहाँ मिल्क, इलायची पाउडर। तो चलिए बनाते हैं। इस तरह से बनाते हैं नारियल के बुरादे से, तो मैं आप लोग को बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक कढ़ाई गैस पर चढ़ाएंगे। तो देखिए, कढ़ाई को हम गैस पर चढ़ा दिए हैं। इसमें 2 चम्मच के करीब डालेंगे देसी घी। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो मेरा नारियल का पाउडर है, उसे इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे थोड़ा सा ही फ्राई करना है। इसी तरह से हम नारियल के पाउडर को अच्छे से भून लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना है। सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए इसका, ताकि जो हम नारियल के लड्डू बना रहे हैं उसमें टेस्ट दोगुना हो जाए। थोड़ा सा इसको भूनेंगे तो इसी तरह से थोड़ा सा भी और भुनाएगा ये। देखिए, मैं नारियल बुरादा अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसकी खुशबू आपको खुद पता चल जाएगी, बाहर निकलने लगेगी और गोल्डन भी हल्का हो गया है। तो इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने मिल्क रखा था उसे। तो देखिए, इसमें हम दूध ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसमें गल ना जाए तब तक इसे चलाते रहेंगे। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं जो हमने मावा रखा था उसे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये लड्डू बनकर इतना अच्छा रेडी होगा कि आप मुंह में डालेगा बिल्कुल भूल जाएगा। आप इसे कोई भी त्यौहार में, जब भी आपको मीठा खाने का मन हो, ये लड्डू बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है ये। देखिए, इसमें हम चीनी ऐड किए, तो ये मेरा मिक्सर है जो हल्का गीला हो गया है। इसे 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से भून कर इसे सुखा लें, ताकि मेरा लड्डू बनने में बहुत ही आसानी हो। इसमें अभी एक चीज अभी ऐड नहीं किए हैं, उसे हम लास्ट में ऐड करेंगे। पहले इसका पानी जो छोड़ा है चीनी की वजह से, उसे हम सुखा लेंगे। तो देखिए, ये मेरे लड्डू का मिक्सचर है जो अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम जो रखे थे मिल्क पाउडर, जिसे इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिल्क पाउडर देने से इसमें डबल टेस्ट आ जाता है। अगर आप कोई मेहमान आपके घर में आ गए हो, फटाफट ये डिश बनाइए, लड्डू बनाइए और खिलाइए, मेहमान भी आपकी तारीफ करेंगे। देखिए, मेरा मिक्सचर बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, लड्डू बनने के लिए बिल्कुल रेडी है ये। अब इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो मेरा लड्डू बनने का मिश्रण है वो अच्छे से ठंडा हो जाए। मेरा ये मिक्सचर अच्छे से बिल्कुल ठंडा हो गया है लड्डू बनाने लायक। अब इसे हम एक प्लेट में पहले ट्रांसफर कर लेंगे, उसके बाद इसका हम लड्डू का शेप देंगे। तो नारियल लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हाथ को हम घी से थोड़ा सा लगा लिए हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मिश्रण ले लेकर इस तरह से लड्डू का शेप दे। उसके बाद ये नारियल का बुरादा है, इसे हम अच्छे से कोटिंग कर देंगे। नारियल का लड्डू है वो देखने में खूबसूरत हो और खाने में भी इसका टेस्ट बिल्कुल लाजवाब हो। ऐसे भी तो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसी तरह से सारे लड्डू को बनाकर हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, सारे लड्डू हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो कैसी लगी मेरे लड्डू की रेसिपी? अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह नए नए रेसिपी आप लोग के सामने हम लाते रहेंगे, और लड्डू का एंजॉय लीजिए, घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मेरे पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कीजिए कि मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है। धन्यवाद।